हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग आए हैं टीआर सानी ऑटोमोबाइल्स और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2021 विटारा ब्रेजा के बारे में। विटारा ब्रेजा इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने मार्केट में अभी तक अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, टाटा नेक्सॉन है, फोर्ड इको स्पोर्ट है और भी हैं काफ़ी ज़्यादा, हुंडई क्रेटा भी आ जाती है, बट विटारा ब्रेजा जो है अपनी मार्केट में अभी तक पकड़ बनाए हुए है इसने और आपको वो फीचर्स ऑफ़र करती है जो शायद ही किसी और गाड़ी में ऑफ़र किए जाते हों इस प्राइस रेंज में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो की कुछ ऐसी दिखती है इसकी, ऊपर आपको सुजुकी का शाइनी लोगो मिलता है, एक लॉक बटन मिलता है और एक अनलॉक बटन है। तो चलते हैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ। तो हेडलैम्प यूनिट में मैं बात करूँ तो ऊपर यहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, दो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है आपको इसके अंदर पूरा प्रोजेक्टर बेस्ड। नीचे यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि DRLs के साथ आते हैं टर्न इंडिकेटर्स और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बम्पर गार्ड है, ये रबर फोम का बना हुआ होता है, ये एक एसेसरीज़ में लगा हुआ है। हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट है फिर भी इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ लगवाई हुई हैं। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो फ्रंट ग्रिल इसकी क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जो कि नीचे यहाँ पर आपको LED फॉग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अराउंड आपको ब्लैक हाउसिंग मिलती है मैट ब्लैक फिनिश में। फ्रंट बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट बम्पर आप लोग देख सकते हैं डुअल टोन में मिलता है मैट ब्लैक और सिल्वर की फिनिश में, मैट ब्लैक और सिल्वर की फिनिश में इसका फ्रंट बम्पर मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छे लगते हैं। ग्लोइंग इंडिकेटर्स आप लोग देख सकते हैं। बात करूँ अगर इसकी साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची लगती है और स्पोर्टी भी लगती है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा दे रखा है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करने में भी। मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, लोग ब्रेजा को ऑफ रोडिंग के लिए लेकर जाते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये। बात करें अगर इसके कॉम्पिटिशन की तो इसके कॉम्पिटिशन में बस एक टाटा नेक्सॉन है जो इसको पूरी टक्कर देती है, वरना फोर्ड इको स्पोर्ट इससे काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है। यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड में ORVMs मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs हैं और ड्राइवर और पैसेंजर साइड आपको यहाँ पर कोई सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं एसेसरीज़ की बात करूँ तो एसेसरीज़ में इसके अंदर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो ये क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है और ये स्लाइडिंग देखने को मिल रही है, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। बाकी इसके अंदर डोर वाइजर्स लगे हुए हैं, बम्पर गार्ड मैंने आपको दिखाई दिए, फ्रंट और रियर दोनों में लगे हुए हैं। इसके अलावा अंदर सीट कवर्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इंटीरियर में चल के। पहले चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं इसकी कैसी है, टू सेक्शन में डिवाइडेड LED टेल लैम्प्स मिलते हैं आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इनफैक्ट ब्रेजा में काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं 2021 मॉडल में, आपको सेम वही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रियर कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर दी हुई है, ब्रेजा की बैजिंग आपको मिलती है, सुजुकी का शाइनी लोगो है, रियर वाइपर्स डिफॉगर्स और वॉशर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड एक स्पॉइलर। तो रियर प्रोफाइल में बस इतना ही था, अब चलते हैं इसके बूट की तरफ। तो बूट खोलते हैं, इसका बूट स्पेस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एनफ इसके अंदर बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। इल्यूमिनेशन लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पर और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों को चार्जिंग वगैरह पर लगाने हैं अपने लैपटॉप्स वगैरह इक्विपमेंट्स तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक कैरिंग हुक मिल जाता है यहाँ पर और थोड़ी सी यहाँ पर दोनों साइड में एक्स्ट्रा स्टोरेज देखने को मिलेगी आप लोगों को, थोड़ी सी यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा स्टोरेज दी हुई होती है इन केस आपको एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह कैरी करनी हो कार के साथ, अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं तो। ऊपर यहाँ पर पार्शियल ट्रे मिल जाती है, पार्शियल ट्रे 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ये यहाँ से पूरी नहीं उठती है, मतलब पूरी नहीं उठती आप लोग देख सकते हैं, इतना यहाँ पर फिक्स रहता है, इतनी आगे उठती है, बाकी आप इसको हटा भी सकते हैं। चलिए चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राइवर साइड डोर की। तो ड्राइवर साइड डोर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है और पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपको बॉटल स्पेस मिलेगा, डोर पॉकेट्स में थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, एक स्पीकर और ट्विटर की प्लेसमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ORVM के साइड में। सॉफ्ट टच मटेरियल की बात करूँ तो गाड़ी में सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया, बस यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक का यूज़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं इंटीरियर में आपको। ORVM के कंट्रोल्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग ORVM के कंट्रोल्स। एक हेडलैम्प लैरलर मिलता है यहाँ पर आपको, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। जो सीट कवर्स मैं बता रहा था ये है, एक्चुअली इसके अंदर एक बेसिक किट इंस्टॉल की गई है जिसके अंदर आपको सीट कवर, स्टेयरिंग कवर और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि स्टेयरिंग कवर इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, टॉप एंड वेरिएंट है ये। चलते हैं चलो अब इसके इंटीरियर में। सीट एडजस्ट कर लेते हैं ज़रा। ऑल राइट, इग्निशन ऑन करते हैं इसका। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ये देखिए ब्लू कलर जो है कितना प्यारा लग रहा है। इनफैक्ट आई थिंक इसका कलर भी चेंज हो जाता है स्पीड के अकॉर्डिंग, और मेरे को पता नहीं डिटेल में, मैं टेस्ट ड्राइव लूंगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका वही सेम पुराने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी। बीच में एक MID मिलती है, लेफ्ट में यहाँ पर टैकोमीटर है, राइट में एनालॉग स्पीडोमीटर है और ऊपर थोड़ी सी वार्निंग लाइट्स गिवन है। हालांकि MID में इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को, जो भी कोई चीज़ आपको जाननी है वो MID में शो हो जाती है इसकी। इसके अलावा बात करूँ स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील आपको भी वही मिलता है सेम, यहाँ पर तीनों साइड्स में आपको यहाँ पर ऊपर नीचे और दोनों साइड क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल है, बीच में सुजुकी का शाइनी लोगो, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉल पिक एंड ड्रॉप की कमांड्स देने के, वॉइस कमांड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड टॉगल्स पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट साइड टॉगल्स पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल की बात करूँ तो डैशबोर्ड में भी कहीं पर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। गाड़ी में सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करना चाहिए था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता फिर। ऑल राइट, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता आपको सनवाइज़र पर, बीच में एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रीडिंग लैंप्स एंड पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और लाइट भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको सेंटर में यहाँ पर माइक्रोफोन की प्लेसमेंट मिलती है क्योंकि वॉइस कमांड का ऑप्शन है तो माइक्रोफोन की प्लेसमेंट यहाँ पर दी हुई है। तो ये था इसका फ्रंट का, मैंने थोड़ा सा बताया। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अंदर फीचर्स की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स को सपोर्ट करने वाला आपको यहाँ पर स्टीरियो सिस्टम मिल जाता है जो कि फुल्ली टच है। इसके बाद अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स दे रखे हैं पूरे, ऑटो पे सेट कर सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर डाउन अप हो सकता है, फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि टॉगल्स नहीं है, बटन्स दिए हुए हैं, बट ये काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट बटन्स तो दिए हुए हैं, टच पैनल नहीं दिया हुआ। क्योंकि मैंने होंडा जैज जब चलाई थी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसके अंदर टच पैनल दिया हुआ था AC कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर बट वो नहीं है। तो अब नीचे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपको USB और AUX का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर फ़ोन्स वगैरह रखने के लिए। गियर शिफ्टिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, मैंने एक टेस्ट ड्राइव वीडियो डाली हुई है ब्रेज़ा की, आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका। उसके अंदर मैंने डिटेल में शो किया है कि कार की क्या परफॉर्मेंस रही है हाईवे पर और सिटी में दोनों जगह। रियर कैमरा की अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो रियर कैमरा ये रहा इसका। एडेप्टिव गाइडलाइंस इसके अंदर नहीं मिलती हैं, डायनेमिक गाइडलाइंस मिलती हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए और एक छोटा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मटेरियल की इसके अंदर भी और काफ़ी ज़्यादा डीप स्टोरेज मिलती है।
डीप स्टोरेज है, मतलब आप लोग आराम से इसके अंदर आधा लीटर की बोतल आ सकती है, इतनी स्टोरेज दी हुई है। इसके अलावा सिटिंग कंफर्ट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, सिटिंग कंफर्ट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके अंदर जो सीट कवर्स इंस्टॉल हुए हैं ये लेदर सीट कवर्स हैं, स्टिचिंग इसकी काफ़ी प्रॉपर है, तो सिटिंग कंफर्ट के बारे में मैं बात ना ही करूँ तो ही अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ। तो रियर सीट्स के कंफर्ट की मैं बात करूं तो रियर सीट में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि रिक्लाइन एंगल थोड़ा यहां पर अच्छा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं रिक्लाइन एंगल इसका इतना कोई ज़्यादा प्रॉपर है नहीं। हालांकि रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको और एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है दो कप होल्डर्स के साथ, बट मेरे को जो प्रॉब्लम है मेरे को रिक्लाइन एंगल पे है। लेग रूम में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेग रूम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर दिया हुआ है, नी रूम भी मेरे को मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है रिक्लाइन एंगल में क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो उस हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको सॉफ्ट फोल्डिंग ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। तो रियर में बस इतना ही था, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में मैंने सिर्फ एक चीज़ मिस की है, मिस आउट किया है, वो है इसके अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 इंच के आपको मल्टी स्पॉक डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डुअल टोन में है, ब्लैक और सिल्वर की फिनिश में। टायर्स की बात करें तो 215/60 का टायर रेशियो रहने वाला है और टायर्स के अराउंड आपको बॉडी क्लैडिंग भी मिल जाती है जो कि रोड नॉइज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।